उसे देखना काम छोड़ दी जाए, मैंने कभी नहीं काम खत्म हो गया ठीक है कुछ भी है आप। हे एवरीवन, जय श्री कृष्णा, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू गाइस आर गुड। मैं भी बढ़िया हूँ। नए दिन से नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं 10:30 बजे से। फिलहाल मैं तैयार हो चुकी हूँ क्योंकि मुझे जाना है अपने कॉलेज, तो बहुत टाइम बाद मैं अपने कॉलेज जा रही हूँ क्योंकि ना अब मैं सोचूँ मैं यहाँ आई हूँ तो अपना TC का जो काम है वो भी करवा लेती हूँ, तो आज शायद कॉलेज खुला होगा, मुझे इतना पता नहीं है, बट मैंने अपनी बहन से पूछा था, वो कह रही थी खुला है करके, तो जाती हूँ। TC का डॉक्यूमेंट्स तो लेके आ रही हूँ, TC निकालती हूँ कॉलेज से, क्योंकि मुझे BEd के वहाँ पे ना TC का डॉक्यूमेंट वहाँ पे लगवाना है, तो इस वजह से मुझे TC निकालनी है। एंड मुझे ना थोड़े से अपने एम्प्लॉयमेंट ऑफिस वाला काम भी वो भी करवाना है, तो आज मेरा बहुत काम है और आज मेरा यहाँ लास्ट दिन है अपने घर में, अपने मायके में, तो इसलिए आज सारा काम करा रही हूँ। अभी तक मैं सोई थी, मेरी मम्मी ऐसा कह रही कि तू अभी तक सोई थी, अभी तक कहाँ गई थी, अभी तक क्यों नहीं किया, बट यार कभी बारिश, कभी मेरा भाई नहीं था और गाड़ी चाहिए, कॉलेज बहुत दूर हो जाता है, मेन मार्केट से कॉलेज बहुत दूर हो जाता है, तो वहाँ तक पैदल अकेले जाना पॉसिबल नहीं होता है, इस वजह से मैं रुकी थी। आज अपने भाई के साथ जाती हूँ मैं कॉलेज और जिनल घर पे ही है, उसको मम्मी के फोन पे बैठा रखा है अभी फिलहाल, मम्मी देख लेगी थोड़ी देर बाद, और उसको ना थोड़ा जुकाम हुआ है तो उसके लिए मैं जुकाम की दवाई भी लेके आऊँगी। सो गाइज, आज मैं आप लोग को दिखाती हूँ अपने यहाँ का कॉलेज, यानी कि पिथौरागढ़ का कॉलेज, LSMPG कॉलेज। तो चलो चलते हैं, मेरा भाई भी तैयार हो गया, मुझे तो वहाँ विशाल तैयार हो गया है, टेप ला गया, मम्मी से बोला, तो मेरा भाई तैयार हो गया है और उसके ना, तो दोस्तों मेरा भाई यहाँ पे तैयार हो गया है और मेरे भाई के ना कपड़े थोड़ा फट गए हैं, बता नहीं कहाँ गिर के आ गया बेचारा। क्या कहना चाहोगे इसमें आप, कुछ कुछ कहना चाहेंगे कहाँ से फटे या गरीब हो गया था तू, तब गरीब तो बहुत गरीब होने के कारण देखो उसके कपड़े सारे फट गए हैं, आजकल का फैशन होता है, तो अच्छा है, अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत पसंद है, बट अभी मैं नहीं पहनती ऐसी चीज़ें, अब हो चुकी है मेरी शादी, इस वजह से मजाक कर, ऐसा कुछ नहीं है, तो मेरे पास अभी मैंने वाला लिया नहीं ऐसा कुछ भी, तो बट मेरा भाई बहुत अच्छा लग रहा है इसमें ब्रो। सो गाइज, जो मैंने ये हुड पहनी है ये मेरे भाई की है, क्योंकि मैं अपने ज्यादा कपड़े यहाँ लेके नहीं आई हूँ, तो ये देखिए मेरे भाई का लुक, मुझे ना ये वाली जैकेट ना बहुत पसंद है, मैं थोड़ा मैं सोचू कि अपने भाई से कैसे ना कैसे हड़प लूँ, देखते हैं अगर मैं कामयाब होगी तो उसे मांग लूंगी, अगर मैं कामयाब हो गई मांगने में तो अगली वीडियो में मैं आपको इसको पहनते दिखूंगी। और आज हम लोग बहुत अच्छे अच्छी जगह जाने वाले, कॉलेज जाएंगे और एक ऐसे जगह जाने वाले, कहाँ जाने वाले शाना, जेल, जेल मत करो यार भाई। सो गाइज, आज हम लोग कहीं जाने वाले हैं बहुत अच्छी अच्छी जगह, तो आप लोग को दिखाऊंगी। ज़्यादा तो मैं ना इस बार छुट्टी कम आई हूँ, मतलब घर कम थोड़े दिन के लिए आई हूँ, तो मैं ज़्यादा घूम नहीं पाऊँगी, थोड़े दिन ही घूमूंगी, मतलब थोड़े दिन ही मौसी घर में और दिवाली फेस्टिवल में, इसी में बीत गया, एक हफ्ते से ऊपर हो चुका है मुझे यहाँ, मतलब 8-9 दिन हो गए शायद, नहीं कल जा रही ना मैं, हाँ तो मुझे टोटल मिला के आज हो गए 11 दिन, 11वां दिन है मेरा घर में, तो ज़्यादा काम नहीं हो पाया, कभी मौसी घर में, कभी कहीं कहीं कहीं, तो ज़्यादा ना यहाँ मार्केट की मैं मार्केट का टूर नहीं करा पाई आप लोगों को, बट कोई नहीं, अगले वीडियो में मैं लंबी छुट्टी आऊँगी और बहुत सारे प्लान है हमारे अगली छुट्टी में। सो गाइस, चाबी मेरे वहाँ पे होगी ना, मेरा जो बैग नहीं है उसके ऊपर रखी चाबी, बाइक की चाबी नहीं चाहिए, जो मेरा बैग है वहाँ पे देखो, अरे जिसमें सामान रखा है मैंने। तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं अपने कॉलेज के और आज आप लोग को अपने कॉलेज का थोड़ा बहुत टूर कराऊंगी अगर हो पाएगा तो, फिलहाल तो ज़्यादा मैं घूम नहीं पाई इस छुट्टी में क्योंकि बहुत कम दिन की छुट्टी आई थी, इस वजह से ज़्यादा नहीं घूम पाए। मेरा फोन निकाल ऊपर से, जूते पहने मैंने, मैंने नहीं पहने क्या, इसने ऊपर चार्जर लगाई क्यों है। गाइस, ये है कॉलेज वाली रोड और यहाँ पे ना जो ऊपर ब्लू कलर की बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये मेरा कोचिंग सेंटर था, जब कॉलेज ओवर हो जाता था हम लोग यहाँ पे कोचिंग आते थे, कॉलेज की क्लासेस पढ़ते थे। देन ये ना काफ़ी लंबा रास्ता है, इस वजह से ना पैदल आप लोग जा नहीं सकते, तो मेरे भाई को लेके गई आज, यहाँ से पूरा डाउन हम लोग को जाना पड़ता है कॉलेज के लिए, और पुरानी यादें पूरी ताज़ा होने लगी, वही गलियाँ सब कुछ वही है यार, कोई चीज़ चेंज नहीं हुआ, बस हम लोग चेंज हो गए और कुछ नहीं, और A to Z चीज़ वही है, बस ये है कि थोड़ी नई बिल्डिंग लग गई है। और ये कॉलेज का मेन गेट जो कि फ्रंट पे है, बैक साइड पे भी एक और गेट है, तो वहाँ की ओर चलते हैं। राजा। सो गाइस, अभी ना मेरे भाई को ठंडा होने लगी तो वो अपने बैग में स्वेटर लेके आया था, फैशन के लिए जैकेट पहन के, वो पहन के आया था यार डेनिम, अब उसे देख लिया कि भाई बाइक चलाते हैं तो लग रहा है ठंडा यहाँ, तो क्यों ना स्वेटर पहन लिया जाए, तो स्वेटर पहन लिया। और ये है मेरा कॉलेज, ये देखो, और यहाँ पे हम लोग पार्किंग करते थे, पार्किंग एरिया,
चलो, और ये है बाइक जिसमें हम लोग जाएंगे अभी। पुरानी यादें ताज़ा हो रही है। सो गाइज, ये है वो लाइब्रेरी जहाँ हम लोग आते थे, बुक इशू करते थे और पढ़ाई करते थे, ऊपर बैठ के पढ़ाई करते थे। ये तो चुप कर यार, पढ़ाई करते थे क्या? तेरा गेम खेलने नहीं आती थी मैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने अपना फॉर्म साइन वाइन करा लिया। सो गाइज, यहाँ पे ना हमारी बिल्डिंग हुआ करती थी, अब आजकल तोड़ दिया है, अब पता नहीं शायद वहाँ शिफ्ट कर दिया, ऐसा कुछ कह रहे थे। तो ये जो पूरा टूटा फूटा है ना, यहाँ पे हमारी क्लास थी पूरी, MBCOM MCOM सारा कॉमर्स का ये क्लास थी, अभी तो तोड़ दिया है। चलो अपना काम करते हैं। हाउ इज इट, गुड और नॉट? काफ़ी टाइम बाद गाइस, बहुत टाइम बाद खा रही हूँ मैं। पहले कॉलेज टाइम खाती थी, उसके बाद आज पी रही हूँ, मुझे बहुत पसंद था। पता नहीं आज कैसा हो रहा है। मज़ा। सो गाइस, आज काफ़ी टाइम बाद, पहले हम लोग कॉलेज टाइम में ये चिकन सूप पीते थे, आज काफ़ी टाइम बाद पी रहे हैं मैं और मेरा भाई। कॉलेज का काम मेरा हो चुका है और मुझे मार्केट पे भी काम था थोड़ा, ज्वेलर्स के वहाँ पे, और डॉक्यूमेंट काम था, वो भी हो गया। तो अभी टाइम हो चुका है 3 और हम सुबह के 10:30 11 बजे, 10:30 बजे आए थे ना, 10:30 बजे आए थे। मज़ा आ गया, क्या लॉलीपॉप भी अच्छी थी। तो गाइस, आज ना इतना ज़्यादा थक गई मैं, आपको क्या बताऊँ। आज मार्केट के काम में 3 बजे थे हम लोगों के, तो क्या ही होता है, 3 बजे से हो गया था, कुछ खाया भी नहीं था, चिकन सूप पिया बस हो गया, और मेरे भाई को फिर से मार्केट जाना था, तो 3:30 बजे मैं घर पहुंची हूँ। तो आज मैं अपने लिए कुछ लेके आई, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। सो मैं लेके आई हूँ अपने लिए एक ज्वेलरी, ये देखिए। सो मैंने ना अपने लिए कुछ लिए, बिछिया ली है, काफ़ी टाइम से मैं सोची थी, अब क्यों आया। तो गाइस, मैं सोची थी काफ़ी टाइम से कि बिच्छू लूँगी, मेरे पास वैसे मेरे पास 2-3 स्पेयर तो बिच्छू है ही, बट मुझे ना एक टॉक्साइड कहते हैं, कुछ कहते हैं, मुझे उसके बिच्छू चाहिए थे। तो मुझे पता नाम पता नहीं है, सॉरी मैं क्या पता गलत भी बोल रही हूँ, मुझे एग्जैक्ट नाम पता नहीं है, और थोड़ा फैशनेबल बिच्छू चाहिए थे मुझे, तो मैं लेके आई हूँ, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। दिख रहे मौसी उसमें, दिख रहे? तो गाइस ये देखिए, तो ये है मेरे बिच्छू, ऐसे बटरफ्लाई पे है। कमेंट करना प्लीज़, कैसे हैं बिच्छू बताना आप लोग, मुझे तो काफ़ी अच्छे लगे और मेरे भाई को भी अच्छे लगे। बटरफ्लाई पैटर्न पे है और काफ़ी अच्छे है। इस वाले बिच्छू का ना कलर नहीं जाएगा, इस टाइप में काले नहीं पड़ेंगे। हाँ मम्मा कहना बिट्टू, मैं आप लोग को पहन के दिखाती हूँ। तो वही सी देखो, ये है मेरे बिच्छू, दिखा वहाँ से पाओ। तो ये देखो, आज का व्लॉग पता नहीं कैसा ही बन रहा होगा। अच्छा सी प्लीज़ कमेंट करना, वैसे तो अभी मेरे पाँव में नेल पेंट नहीं लगे, तो पता नहीं इतने अच्छे दिख रहे पता नहीं, बट मुझे सच में बताऊँ बहुत प्यारे लग रहे हैं, काफ़ी अच्छे हैं। ऐसा लग रहा है कि बिच्छू ना होके इसको ना आप रिंग में भी, रिंग एज ए रिंग भी पहन सकते हो ना मौसी, दिखाओ आप लोग को। रुको, हामी देखो, एज ए रिंग भी आप इसको पहन सकते हो, बट मैं इसे रिंग के तौर पर नहीं पहनूंगी, क्योंकि ये मैंने बिच्छू के लिए, तो बिच्छू ही पहनूंगी ये मैंने शादी वादी के लिए, क्योंकि अभी मौसम ना, क्योंकि अभी यार होने वाली है मेरी देवर की शादी, तो उसी की शॉपिंग चल रही है मेरी, इसलिए मैंने ये बिच्छू लिया। मौसम तुझे कैसे लगे? अच्छे लग रहे हैं पक्का? तो मुझे बहुत अच्छे लगे, मुझे ऐसे थोड़ा सा महंगे पड़ गए मुझे ये बिच्छू। बिट्टू मैं थोड़ा मत प्लीज, थोड़ा महंगे पड़ गए बिच्छू, लेकिन काफ़ी अच्छे हैं जो भी हैं यार, एक बार लेने मन था तो ले लिया मैंने। तो बस ये शॉपिंग की और डॉक्यूमेंट्स के काम थे मेरे, डॉक्यूमेंट्स के काम किए और कॉलेज का जो काम था मैंने निपटा लिया।
फिलहाल हम लोगों ने आज रात को खाना भी खा लिया क्योंकि हम दिन भर कुछ खाया नहीं था। तो मम्मी ने बनाई थी आज फिश बनाई थी, तो मैंने कुछ शूट वूट नहीं किया फिश वगैरह, बहुत थक गई थी यार, मैं तो रेस्ट कर रही थी। अभी जाके मैं उठी हूँ, फिर मैंने कहा कि चलो यार बैग पैकिंग कर लेते हैं क्योंकि हम लोग को कहीं ना कल हम लोग को जाना भी यहाँ से, तो बहुत सामान है पूरा पैक करना है, कुछ नहीं पैक किया अभी तक, तो सोचा कि उन्हें पैक कर लेती हूँ, उसके बाद रेस्ट करूँगी आराम से। तो गाइस अभी ना सामान रखा जा रहा है, कल घर जा रही हूँ तो उसके लिए यहाँ पे पैकिंग हो रही है, दिख रहा है आप लोग को वहाँ पे वो कट्टा, तो कट्टे में सारा सामान डालेंगे। मौसी भी आई है, मौसी भी अपने घर से मेरे लिए सामान लेके आई है, इसलिए आई है मौसी, शाम को ही आई मौसी वहाँ से, पता नहीं क्या मड़वा घोघे वगैरह पता नहीं क्या क्या लाई है, उस मसूर वगैरह और जो करेले कहा था मैंने आप लोगों को, पहाड़ी करेले मरवा और मक्का और मिर्ची मतलब बहुत सारे आइटम मौसी लेके आ रखी है। अब वो तो वहीं जाके खोल के देखूंगी, मैंने खोल के दिखानी है क्योंकि एक्चुअली मेरी थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो रही है, पता नहीं कल मुझे जाना है और आज मुझे पता नहीं क्या, सुबह मैंने ठंडे पानी से नहाया था उस टाइम तो मुझे पता नहीं चला, लेकिन अभी ना मुझे ठंडा फील हो रहा है, तो मुझे वॉमिट टाइप की फीलिंग हो रही है, अब क्या बताऊँ आपको, मतलब तबीयत मेरी अच्छी नहीं है, बस कुल मिला के कहना चाहती हूँ। और गाइस बहुत सारी चीज़ें मुझे शूट करनी थी बट मैं कर नहीं पाऊँगी, तो तबीयत ख़राब हो रही है इस वजह से। ओ मौसी क्या होगा,